ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बाकी मैं आपके लिए ये एक रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आप सबको बहुत इंतज़ार रहता है, जो कि है हमारी नो कॉन्टैक्ट से रिगार्डिंग। और इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, इंट्यूशन, क्या चाहते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में उनके लव मैसेजेस निकालेंगे, देखेंगे कि वो आपको एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये रीडिंग आपके लिए निकलती है। दूसरा फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये कहना है, जिन सब ने भी आज इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देखा है या जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं पर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आप लोगों के ही प्रोत्साहन से मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा और मेरी मेहनत का कहीं ना कहीं मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर देखिए ये नीचे मेंशन है, प्लीज़ आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल मत करा करें, पहले व्हाट्सएप करके बात करा करें और फिर मेरी अवेलेबिलिटी और उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप मेरे से आगे टाइम बुक कर सकते हैं। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, लास्ट आप इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें, ज़बरदस्ती कोई भी बात, कोई भी एनर्जी को खुद पे फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा रीडिंग्स देखते वक्त यूट्यूब पे ध्यान रखनी है, चाहे मेरी देखें चाहे किसी भी रिस्पेक्टेड टैरो रीडर की देखें, कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो क्योंकि वो आपकी पर्सनल कार्ड्स नहीं निकाल रहे, आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं निकाल रहे, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ अपने आप को और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा कि शायद चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। सो एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश थी जो कि मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो बिल्कुल नए रीडिंग्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इसे दिल पे ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं, तो जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे तब तक नहीं। सो नाम राशि, सन साइन, मून साइन, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको ये मैच करती है उसके अकॉर्डिंग देखें। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माय डियर वर्गो, सो वर्गो क्या सोचते हो आप, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, पार्टनर को मिस कर रहे हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है लाइफ में, बट आपके माइंड में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं अगले एक हफ्ते के लिए आपकी क्या एनर्जी है। हेरोफेंट, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। एक तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वर्गो आप एक्सट्रीमली अपने पर्सन के लिए लॉयल कहें या बहुत ज़्यादा लविंग कहें, आप अभी भी नहीं उसको भूल पाए। आप अपने पार्टनर की एनर्जी में पूरी तरह कम्प्लीटली अभी भी रहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप ऊपर वाले को मानने लगे हैं, जहाँ पहले आप शायद इतना ज़्यादा नहीं मानते थे या इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से या पार्टनर की वजह से आप नहीं कर पाते थे, बट अभी आप एक यूनिक गॉड को, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि वो जो कर रहा है मेरी लाइफ में अच्छा कर रहा है। मुझे यहाँ पर आप या तो स्पिरिचुअल होते बहुत ज़्यादा या किसी गुरु को प्रैक्टिस करते किसी एक एनर्जी में दिख रहे हैं। जहाँ तक इस रिलेशनशिप का सवाल है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, इसे मेरी बात नहीं समझ में आ रही, मैं इसके लिए वो चीज़ें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट लाइफ मेरा अभी साथ नहीं दे रही, बेटर है कि मैं एक साइलेंट रास्ते पे निकल जाऊँ। मुझे आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, आप बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ अभी फ़िलहाल कोई भी ज़्यादा संपर्क कहें या ज़्यादा बातचीत कहें नहीं रखना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर ये नहीं लिखा, नहीं मेरे भाग्य में हो रहा इसका साथ, तो ठीक है, मतलब आप ना अपने आप को संभाल रहे हैं, आप अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं, आप जीने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ इस तरह की आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है, कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं कितना कितना क्रेव करूं, कितना तड़पूं इसके लिए, ऐसा दिख रहा है।
आइए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या वो भी इसी तरह से आपको याद कर कर के, क्रेव कर कर के परेशान है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? सबसे पहला है 7 of Swords, 4 of Cups, Devil। पता नहीं क्यों वर्गो आपके साथ ही ऐसा होता है, मुझे नहीं समझ आता। आपका पार्टनर ना एक तो पता नहीं क्यों वर्गो उसके साथ ही ऐसा होता है, आपका पार्टनर एक तो हाईली मैन्युपुलेटिव आदमी या औरत है, आपको धोखा देने से बाज नहीं आता। देखो मैं ये नहीं कहूँगी वर्ग सारी दुनिया के वर्गों के पार्टनर ऐसे हैं, तो सारे अगर कोई क्रॉस अलग मतलब जैसे कहते हैं ना अपने पार्टनर्स की रीडिंग देख रहे होते हैं कि मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या रीडिंग आई है, सो ये सबके लिए मैटर नहीं करती, तो ये सबके ऊपर लागू नहीं होगी, तो ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। यहाँ पर जिन वर्गोज के पार्टनर की रीडिंग आई है, इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके साथ मैन्युपुलेशन, धोखा, चीटिंग करी, बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रेफरेंस दी, उनकी बातें सुनी, आपको हमेशा लेट डाउन किया, आपके आगे ईगो दिखाई, हर समय आपको ये दिखाया कि तुमसे बेटर भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। और इस तरह से अभी पता है क्या हो गया, ये अपनी नेगेटिविटी के जाल में फंसा हुआ दिख रहा है पर्सन, इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। और अब जबकि ये नो कॉन्टैक्ट में आ गया है, तो इसको ऐसा लगता है कि वर्गो जैसा पार्टनर तो मुझे मिल नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे खो दिया है। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं उदास है, रिग्रेट कर रहा है, बट क्योंकि ये सज़ा इसको ऊपर वाले ने दी है और ऊपर वाले ने इसको इस एनर्जी में डाला है, तो ये बच भी नहीं पा रहा इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि ये इसको कर्मा मिला है। आप वर्गो जहाँ पे खुद को दबा के बैठे हैं, वहीं ये पर्सन खुद को अभी सैड एनर्जी में डालकर बैठा है, क्योंकि इससे जो हो गया है ये उसे ठीक भी नहीं कर पा रहा और ये पूरे एक जाल में फंस चुका है। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी में, रिग्रेटफुल एनर्जी में, दुखी एनर्जी में ये अगले एक हफ्ते दिख रहा है। भले ही आपको दिखता हो अगर ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट के बाद भी कि ये बहुत खुश है, बहुत पार्टीज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज़ डाल रहा है, बट इन हार्ट, इन दिल में, आत्मा से ये दुखी है। और ये जो पूरा एक इसने जाल बुना हुआ है, ये सब दिखावा है, सब शोशा है। ठीक है, देखते हैं इनके वो हिडन लव मैसेजेस जो ये आपसे कहना चाहते हैं आज की डेट में। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए मैंने आपको कहा था ये आपका वेट कर रहा है, सैड है ये आपके बिना, बट बोलेगा नहीं। यू टच्ड माई हार्ट, आपने इनका कहीं ना कहीं दिल छुआ है, वो स्पेशल लव, वो स्पेशल केयर जो वर्को आपने इनको दी है, वो परफेक्शन वाला लव वो कोई नहीं दे पाया, और ये आपके आगे किसी को नहीं रख पाए, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कार्ड्स में। सो देखिए ये क्रेव कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, बट हिम्मत कैसे करें, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, चीटिंग, धोखा किया है। सो अभी के लिए इन्हें इनके हाल पे ही छोड़ देना बेटर होगा वर्गोस, इनके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा सही लगे वो आप डिसीजंस लें। ये रीडिंग है आपकी, पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर कर सकते हैं। बाकी मिलूंगी फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, बाय फॉर नाउ।